स्टॉक लेके आई हूँ आपके लिए कल के लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। और इंट्राडे में इन दोनों ही स्टॉक से ट्रेड करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो कल के दिन भी। प्रॉफिट कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए एक पार्ट को, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं HDFC AMC का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है, और चार्ट में आप देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम देखें तो बन रहा है यहाँ पे। इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बिल्कुल सपोर्ट के पास। आज के दिन जो मार्केट ने ब्रेक किया है सपोर्ट को, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है अगर कल के दिन ये स्टॉक यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर डाउन साइड आती है, डायरेक्टली हमें ये टारगेट मिलेगा दोस्तों इस स्टॉक में 2784 का टारगेट यहाँ पे हमें अचीव हो सकता है इस स्टॉक में अगर डाउन साइड आता है तो। क्योंकि अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं जैसे ही इसका नेकलाइन ब्रेक होता है हेड एंड शोल्डर का, हम यहाँ पर पुट साइड एंट्री लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। कॉल साइड एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन के साथ आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 2865 का बन के निकल के आ रहा है। यहाँ तक का टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा जो टारगेट है 2900 के आसपास का टारगेट, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है इस स्टॉक में। चलिए मैंने आपको बता दिया स्टॉक किस तरह से काम करने वाला है, और आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, पूरी डिस्कशन इस स्टॉक के बारे में कर दी मैंने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने बताया वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल भी उससे आगे का आप लालच मत कीजिएगा। दूसरा जो स्टॉक यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, ये देख पा रहे हैं मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और ट्रेंड लाइन में आप देख पा रहे हैं मार्केट जो है कितने मतलब रिस्पेक्ट के साथ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। आप देख पा रही है यहाँ पे देखिए, एक बार रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार भी रिस्पेक्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है इस तरह से तो पुट साइड अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो आप। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है अगर स्टॉक की, और अपसाइड निकलता है तो रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारे पास, दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, दो रेजिस्टेंस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट जो बना हुआ है बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे टच किया हुआ है इस सपोर्ट को, और ये सपोर्ट है 522 का सपोर्ट बहुत ही मजबूत है इस स्टॉक में। और अगर ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो अच्छा खासा हम डाउन साइड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर अपसाइड की बात करें तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब मार्केट अपसाइड निकलेगा, स्टॉक अपसाइड निकलेगा, तो हम रेजिस्टेंस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक पहला प्रॉफिट होगा जो है 530 का लेवल, और यहाँ पे दूसरा लेवल जो है 533 का होने वाला है। 533 भी अगर ब्रेक हो जाता है गलती से तो आने वाले दिनों में हम 540 तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके लिए होने वाला है ये। इस स्टॉक में अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन के निकल के आ रहा है। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन के निकल के आ रहा है। जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एम पैटर्न बना, एम पैटर्न बनने के बाद नेकलाइन ब्रेक होने के बाद डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट बना। एम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, हेड एंड शोल्डर के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो हेड एंड शोल्डर कब काम करता है कब नहीं काम करता, ये भी मैंने बता रखा है वीडियो में। सीक्रेटली मैंने बता रखा है किस तरह से हेड एंड शोल्डर काम करता है और किस तरह से काम नहीं करता, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए। एम पैटर्न के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, डबल टॉप कब बनता है, कब हमें डबल टॉप का फ़ायदा उठाना चाहिए, कब नहीं उठाना चाहिए, पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, जरूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये दो स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में भी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा हमारे पास जो ट्रेड लेने का कारण है वो है कि ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तीसरा जो कारण है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस सपोर्ट को भी मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर इस सपोर्ट का सपोर्ट लेके फिर से कल मार्केट अपसाइड निकलता है तो कॉल साइड हम एंट्री बना सकते हैं, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बस यही है दोस्तों इस वीडियो में,
वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।